युक्त दुई परीक्षापाई अधिकांश हब्रे प्रश्नपत्र पहुंची सारी परीक्षा परिचालना को नहीं समस्या सृष्टि होगा आशंका देखाई कारण समान ग्रेड पे को समान दरमा एवं अन्यान्य दाबी कर आज विशाल महासमावेश जाउछन्ते 662 वर्ग कलेज अध्यापक संघ चारि दफा दाबी रे 662 युक्त दुई और युक्त तीन बेसरकारी कलेज अध्यापक कर्मचारी संघ 15 दिन है राजधानी में आंदोलन कर चलित वर्ष 1145 परीक्षा केन्द्र में कला विज्ञान वाणिज्य और धंदामूलक पाठ्यक्रम 358,000 परीक्षार्थी रही मार्च 1 रु युक्त दुई परीक्षा आरंभ हो परीक्षा केन्द्र होता कलेजगुड़िक अधिकांश 662 वर्ग अंतर्गत रही जदि सेठाकार अध्यापक कर्मचारी असहयोग करती तेज परीक्षा हो किभली गोटेपटे अध्यापक मैंने असहयोग जिद्र अटल आउ अन्यपटे राज्य सरकार निज जिद्र अटल रही अध्यापकों समस्या को दृष्टि देउ नथिबारु छात्र छात्री और अभिभावक महलले तीव्र असंतोष प्रकाश पाइलानी संघ कहिछि जे राज्य सरकार अनुदान प्राप्त बेसरकारी कलेज कर्मचारी दरमा वृद्धि करिछन्ति मात्र समान काम करथुबा केतेक अध्यापक कर्मचारी न्याय पाइबारु वंचित होइछन्ति युक्त दुई परीक्षा पे अधिकांश हब्रे प्रश्नपत्र पहुंची सारी परीक्षा परिचालना को नहीं एवं समस्या सृष्टि होगा आशंका देखाई कारण समान ग्रेड पे को समान दरमा एवं अन्यान्य दाबी कर आज विशाल महासमावेश जाउछन्ति 662 वर्ग कलेज अध्यापक संघ चारि दफा दाबी में 662 युक्त दुई और युक्त तीन बेसरकारी कलेज अध्यापक और कर्मचारी संघ 15 दिन है राजधानी रे आंदोलन करुछन्ते चलित वर्ष 1145 परीक्षा केन्द्र रे कला विज्ञान वाणिज्य और धंदामूलक पाठ्यक्रम 358,000 परीक्षार्थी रही मार्च 1 रु युक्त दुई परीक्षा आरंभ परीक्षा केन्द्र होता कलेजगुड़िक अधिकांश 662 वर्ग अंतर्गत रही जदि सेठाकार अध्यापक कर्मचारी असहयोग करती तेज परीक्षा हो किभली गोटेपटे अध्यापक मैंने असहयोग जिद्र अटल आउ अंपटे राज्य सरकार निज जिद्र अटल रही अध्यापकों समस्या को दृष्टि देउ नथिबारु छात्र छात्री और अभिभावक महलरे तीव्र असंतोष प्रकाश पाइलानी संघ कहिछि जे राज्य सरकार अनुदान प्राप्त बेसरकारी कलेज कर्मचारी दरमा वृद्धि करिछन्ति मात्र समान काम करथुबा केतेक अध्यापक कर्मचारी न्याय पाइबारु वंचित होइछन्ति दीर्घ 15 दिन हला राजधानी रे धारणा रे बसिछन्ति समान ग्रेड पे को समान दरमा दाबी करुछन्ति 662 वर्ग कलेज अध्यापक संघ तेबे चारि दफा दाबी रे युक्त दुई और युक्त तीन बेसरकारी कलेज अध्यापक कर्मचारी संघ 15 दिन हला धारणा रे बसिछन्ति तो आम सहित गोलोक नायक 662 वर्ग कलेज अध्यापक संगठक श्रुत नायक आम सहित जोड़ी आपको धन्यवाद किंतु बड़ कथा जे आपण माने 15 दिन है राजधानी रे धारणा रे बसी आज गोटे विशाल समावेश करार योजना रही तेज आपन को लगुच सरकार एथप्रति दृष्टि देवे जो 15 दिन धरी से शुणी ना कौन से समाधान पारिनी आज समावेश गोटे बड़ प्रभाव पक देखो राज्य सरकार एक गणतांत्रिक पद्धति से चलने कथा एवं आम 15 दिन आगु सरकार नोटिस मार्च 1 रे परीक्षा अच्छी जदि आम दाबी आलोचना करा ना जाए आमको ठोस निष्पत्ति न निया जाए आम मूल्यांकन वर्जन करू इतिम्य दुई दुई थर आम महासमावेश कर सारे आज तृतीय थर समावेश करु ए राज्य सरकार कुंभकर्ण निद्रा भांगुना अर्थात स्पष्ट अनुमय हूँ राज्य सरकार शिक्षक और छात्र मारण नीति आपण 662 कलेज 62% पिला परीक्षा देवे ये सब कम 662 अध्यापक मैंने ही करते जदि से आज किसी निष्पत्ति ठोस निष्पत्ति न नि तेज आम आम कथा अनुसार परीक्षा बर्जन करू ये आंदोलन 15 दिन नुह आजा आम यहाँ पूर्व थे नवेम्बर 9 आंदोलन करूँ मान्यवर मुख्यमंत्री को अवगत कराइचु 50 जन एमएलए को अवगत कराइचु मुख्य शासन सचिव प्रिंसिपल सेक्रेटरी 5T सचिव एंड प्रण प्रकाश दास समस्त अवगत कराइचु किंतु ता भितर भी आम 15 दिन आंदोलन करूँ जी राज्य सरकार टे अहेतुक अणदेखा करेंगे निरवता रे तेणुकु जहाँ हम ताकि देखा तेणु आम आम स्वाभिमान को हर पारे आप जानते गोटे कैबिनेट आम सामान दरमा पाऊ 46 ग्रेड पे एवं आउ गोटे कैबिनेट कले 10,000 आमको कम कर दिगला और सब दुखर विषय होने एक कैटेगोरी लाइब्रेरियान डेमोनस्ट्रेटर पीटी जो मैंने 42 ग्रेड पे
ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମଠାରୁ 8,000 ଟଙ୍କା ଅଧିକା ଦରମା ପାଇଲେ। ସ୍କୁଲ ଭାଇ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ 42 ଗ୍ରେଡ୍ରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମଠାରୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଅଧିକା ଦରମା ପାଇଲେ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ କ'ଣ ମାନସିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଧ୍ୟାପକଟି କେମିତି ପାଠ ପଢ଼େଇବେ? ତେଣୁ ଆମେ ବି ସରକାରକୁ ବହୁତ ସମୟ ଦେଇଛୁ, ସରକାର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ସମାଧାନ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଇଏ କ'ଣ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ, ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ନୁହେଁ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆକୁ ସମାଧାନ ବାଟକୁ ନେବା? ସିଏ ତାଙ୍କ ଜିତିରେ ଅଟଳ, ତେବେ ଆମେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଛୁ, ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ। ନିହାତି ରୂପେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ଯେ ସରକାର ନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସରକାର ଏହା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସହଯୋଗ କରିବେ କି ନାହିଁ? ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ଆଜି ଆଶା କରିବି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି ତାଙ୍କର ବି ସେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲ ରହିବା କଥା। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଡାକି ଆମ ସହିତ ଠୋସ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଯଦି ନ ନେବା ଗୋଟେ ଦିନ ରହିଲା ପରୀକ୍ଷା। ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଡାକରା ବି ଦେଇଛୁ, ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସିଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ 30 ବର୍ଷ 35 ବର୍ଷ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି କରିଦେଲି। ଆଜି ରିଟାୟାର୍ଡ ଯେତେବେଳେ କରୁଛୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ନାହିଁ, ଆମ ଏକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ପେନ୍ସନ୍ଟିଏ ନାହିଁ। 2018 ଯିଏ ବାଲା 22 ମସିହାରୁ ସଭାନ୍ତ ହେବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣାଯାଉନି, ସେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେ ଆମର ଯୋଉ ଅସଙ୍ଗତି ରହିଛି, ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦରମା ଦିଆଯାଉନି। ଏ 4 ଦଫା ଦାବି ଧରି ଆମେ 15 ଦିନ ହେଲା ବସିଲୁ। ଏଇଟା କ'ଣ ତାଙ୍କର ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ବହୁତ ଆନ୍ଦୋଳନ ତ ଉଠାଯାଉଛି, ବହୁତ ଆନ୍ଦୋଳନ କଥା ଶୁଣାଯାଉଛି, ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅପରାଧ କରିଛୁ, ଆମେ କି କ୍ଷତି କରିଛୁ? ଆମେ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଛୁ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପନ୍ନ କରି ନିଜ ପରିବାରକୁ ଅବହେଳା କରିକି 5,000 3,000 15 ବର୍ଷ ବିନା ଦରମାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ଆଉ କୋଉଭଳିଆ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମ ପ୍ରତି ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ? ନିହାତି ରୂପେ ଆପଣମାନଙ୍କ ର ତ୍ୟାଗ ଅନେକ ରହିଛି, ଅବଦାନ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର କେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏଭଳି ଏକ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଣୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।